हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का प्रीपोजिशंस के अगले क्लास में, जो हमारा तीसरा क्लास होगा प्रीपोजिशन का। पिछले दो क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन को और उसके डिफरेंट यूजेस को, कि किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं। दूसरे क्लास में जो हमने पढ़ा, वो पढ़ा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने प्रकार के काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हैं, जिसमें डिवाइड करके हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है, सो दैट कि ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। उसमें से भी हमने पहले प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ा था, पहले काइंड के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में के अंतर्गत हमने दो प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि पहला था आपका टू और टुवर्ड्स का रिलेशन, और उसके बाद टू और फॉर का रिलेशन। अब हम लोग इस क्लास में पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है एट और ऑन के बीच में संबंध प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के संदर्भ में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इनटू का अर्थ, इनटू का प्रयोग, सॉरी, इनटू का प्रयोग कैसे होता है। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को अक्रॉस का प्रयोग। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अप एंड डाउन, एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट अलोंग। और इन सारी चीजों को करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे अगेंस्ट का प्रयोग। और इतने चीजों को कवर करने के बाद हमारा प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा जो पहला है वो है एट और ऑन। एट और ऑन का प्रयोग हमको अभी जो पढ़ना है वो प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के संदर्भ में ही पढ़ना है। डायरेक्शन के संदर्भ में बोलने का मतलब ये हुआ कि इस एट और ऑन का प्रयोग हम प्रिपोजिशन के रूप में दिशा बताने के लिए करेंगे। और इनका प्रयोग किसी खास शब्दों के साथ होता है, या यूं कह लीजिए किसी खास फ्रेजेस के साथ होता है, और उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एम के साथ एट का प्रयोग करेंगे, स्माइल इसके साथ भी एट का प्रयोग करेंगे, लाफ एट, विंक एट, शूट एट, शाउट एट, मेक एन अटैक ऑन, मेक एन अटैक ऑन, यहां पर एट का प्रयोग नहीं करें, मेक एन अटैक ऑन, ओपन फायर ऑन, फॉल ऑन, ईडीसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एट का प्रयोग किसी खास शब्दों के साथ हो रहा है, और उसी तरह से ऑन का प्रयोग किसी खास शब्दों के साथ हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स के तहत हम इन सारी बातों को समझते हैं। जैसे कि वी शुड नॉट लाफ एट एनी वंस फेलियर, लाफ एट एनी वंस फेलियर, ओके। ही स्माइल्ड एट मी, माई टीचर शाउटेड एट मी, द पुलिस ओपेंड फायर ऑन द टेररिस्ट, द पुलिस ओपेंड फायर ऑन द टेररिस्ट, ओपन फायर ऑन का मतलब गोली चलाना, ओके। दे फेल ऑन द फूड एज सून एज इट वॉज कुक्ड, दे फेल ऑन द फूड एज सून एज इट वॉज कुक्ड, इसका मतलब क्या हुआ? फॉल ऑन का मतलब होता है टूट पड़ना, अगर फॉल ऑन समथिंग है इसका मतलब होता है टूट पड़ना। तो जैसे ही खाना पक गया तो सभी लोग खाने में टूट पड़े। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंटू की तरफ। इतनी बातें उम्मीद है कि समझ में आएगा, कोई खास बातें नहीं है, भारी भी नहीं है, काफी हल्का है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इंटू में। ठीक है, इंटू का जो प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अर्थ में जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है वो होता है मे के अर्थ में, हिंदी में मे के अर्थ में। ये इनवर्ड डायरेक्शन को बताता है, ओके, इनसाइड मोशन, और यू कैन से इनवर्ड मोशन। ठीक है, जैसे अंदर की ओर जो गति होती है, जैसे ही फेल इनटू द वेल, ही फेल इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, एक ऐसा मोशन जो नीचे की ओर गति बताए। ठीक है, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं, राइट। यही छोटा सा प्रयोग है इनटू का। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू का मतलब होता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगा के घुसना, जबरदस्ती अंदर घुसना, ओके। तो इसी को हमने वी टू लगा के यूज किया, ब्रोक इनटू। तो ये हो गया आपका इनटू का प्रयोग, राइट। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत बहुत छोटा सा है इनटू। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अक्रॉस। ठीक है, इस अक्रॉस का प्रयोग हम लोग तीन अर्थों में पढ़ेंगे, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अर्थ में तीन अर्थों में पढ़ेंगे। पहला अर्थ है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब के पार या उस पार, के पार या उस पार। जैसे एग्जाम्पल में ही लिव्स अक्रॉस द रोड, अगर ये सड़क है तो उसका घर रोड के उस पार हुआ, राइट। तो इस अर्थ में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, के पार के अर्थ में या उस पार के अर्थ में, अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, इन अर्थों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक ओर से दूसरी ओर तक, एक ओर से दूसरी ओर तक, मतलब एक ओर ये रहा और ये दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर तक। जनरली अगर इस तरह का फिगर इमेजिन करते हैं तो हमको बेहतर एग्जाम्पल आता है रिवर का। अगर किसी नदी के ऊपर अगर ब्रिज बना है, ओके, सपोज करो दिस इज द
river and this is a bridge. This bridge goes across the bridge, right? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये ब्रिज का विस्तार होता है, ओके? ताकि हम लोग नदी के इस पार से उस पार जा सकें. तो अक्रॉस का ये दूसरा मीनिंग है, दूसरा प्रयोग है जहां हम पोजिशन और डायरेक्शन के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं. फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जैसे एग्जाम्पल में देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. अब तीसरा पार्ट, तीसरा मीनिंग जो है इसका अक्रॉस का, वो प्रयोग हो सकता है इन अ लार्ज पार्ट ऑफ एन एरिया और सरफेस. किसी भी क्षेत्र के बड़े क्षेत्र में विस्तार के तौर पर अगर प्रयोग करना हो तो हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि अभी जो लेटेस्ट हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, द कोरोना वायरस हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो कोरोना वायरस जो अपना क्षेत्र विस्तार किया, पूरे विश्व को अपने आगोश में ले गया है. तो इस अर्थ में हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं. एक और बात जो आपको ध्यान देने योग्य है वो ये कि अक्रॉस अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और अपने आप में एक एडवर्ब भी है, ठीक है? इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा. क्रॉस इज अ प्रीपोजिशन एंड एज वेल एज इट इज एन एडवर्ब, राइट? अब अक्रॉस का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के तौर पर करेंगे तो ये बात निश्चित तौर पर होगी कि उसका प्रयोग नाउन के पहले होगा. अगर नाउन के पहले अक्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रीपोजिशन के तौर पर है. लेकिन अगर अक्रॉस के बाद नाउन नहीं है, जैसे कि ही हरीड अक्रॉस टू मीट मी, फॉर एग्जाम्पल ही हरीड अक्रॉस टू मीट मी, ठीक है ना? तो अक्रॉस के बाद टू मीट मी है, कोई नाउन नहीं है, देयर इज नो नाउन. नाउन इज एब्सेंट ओवर हियर. इट मींस अक्रॉस इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज एन एडवर्ब. इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस बात को कि अक्रॉस प्रीपोजिशन भी है और एक एडवर्ब भी है. प्रीपोजिशन तब है जब नाउन के पहले आ रहा है और एडवर्ब तब है जब नाउन इसके साथ नहीं लगा हुआ है, ओके? तो ये तीन मीनिंग हो गए अक्रॉस के, प्रीपोजिशन और डायरेक्शन के अर्थ में. अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं अप और डाउन के बारे में. बड़ा सिंपल सा है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ठीक है? जैसे कि ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री व्हेन ही सॉ अ लायन. ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री व्हेन ही सॉ अ लायन. जब उसने शेर देखा तो वो पेड़ पर चढ़ गया. और मैंने क्या किया, आई आस्क्ड हिम टू क्लाइंब डाउन द ट्री. मैंने उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहा. तो ऊपर चढ़ा तो आप नीचे आया, तो डाउन, क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन, राइट? नेक्स्ट यही है अप और डाउन, बड़ा छोटा सा. नेक्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना अलोंग, ठीक है? अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन ऑफ, ठीक है, के सीध में. जैसे कि इसका प्रयोग हम खास करके कुछ नाउन्स के पहले करते हैं, जैसे कि रिवर, कॉरिडोर, लाइन, और यू मे ऑल्सो कॉल पाथ, ठीक है? इस तरह की चीजों के जिसके किनारे किनारे हम चल सके, उन सबके साथ अलोंग का प्रयोग हम कर सकते हैं. जैसे कि आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रिवर, आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रिवर. या फिर ही यूजुअली वॉक्स अलोंग द रोड.